Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayush Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve. So here it is 9th of September. Once again, we are here together to discuss today's Hindu news analysis. Okay, the first news we are going to take is PLA fired shots in the air, says India. इंडिया का कहना है पब्लिक जो लिबरेशन सॉरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, उन्होंने फायर किया है एयर के अंदर, शॉट्स फायर किए हैं. आवर्स आफ्टर द चाइनीज आर्मी क्लेम दैट इंडियन ट्रूप्स ओपन द अलोंग ओपन फायर अलोंग द डिस्प्यूटेड LAC इन लद्दाख, द इंडियन आर्मी स्टेटेड दैट ऑन ट्यूजडे दैट इट वॉज एक्चुअली चाइनीज ट्रूप दैट फायर्ड अ फ्यू राउंड्स इन द एयर. ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली चाइना से आया था कि इंडियन ट्रूप्स ने एयर में फायरिंग की है, शॉट्स फायर किए हैं. और अभी रिसेंटली जो है ये न्यूज़ सामने आई है कि उसके बाद में बेसिकली इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने नहीं, इवन चाइना ने जो है एयर शॉट्स किए थे, फायर किया था एयर में शॉट्स फायर किए थे. एंड इन सब के बाद में एक्चुअली कुछ ही घंटों बाद ये स्टेटमेंट आ गया था. चाइना का स्टेटमेंट पहले आया था चाइनीज़ आर्मी का कि इंडियन ट्रूप्स ने फायरिंग की थी, ओपन फायरिंग. और वहीं पे जो है कुछ ही घंटों बाद इंडिया का ये स्टेटमेंट आया इंडियन ट्रूप्स का कि चाइनीज़ ट्रूप्स आर गोइंग रॉन्ग, और द स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम चाइनीज़ ट्रूप्स इज़ रॉन्ग बिकॉज हमने नहीं और चाइनीज़ ट्रूप्स ने खुद ने ये फायरिंग की थी. तो ये एक बहुत फ्रेश टेंशन्स हैं जो हमें देखने को मिल रही है पेंगोंग सो लेक के अलोंग जो है साउथ बैंक की तरफ ये सारी घटनाएं हो रही है. आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ब्रीफ्ड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन द ग्राउंड सिचुएशन. डिफेंस सोर्स ने कहा कि जो नरवाने हैं उन्होंने, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ग्राउंड सिचुएशन के बारे में इतला किया. और ये फ्रेश टेंशन्स है जो दोनों देशों के बीच में चल रही है. इन द इंस्टेंट केस ऑन 7th ऑफ सितंबर इट वाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स हु अटेम्प्टेड टू क्लोज इन विद वन ऑफ आर फॉरवर्ड पोजिशन अलोंग द LAC. हमारी जो फॉरवर्ड पोजिशन है उसके LAC के पास में करीब, LAC के अलोंग द LAC इट वॉज जस्ट लाइक द सिचुएशन काफ़ी टेंस नज़र आ रही है. हमारी ट्रूप्स के पास में चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी दैट इज़ PLA की कुछ जो ट्रूप्स हैं वो करीब आते हुए नज़र आ रहे थे, और उसी के चलते जो है ओपन एयर फायरिंग नज़र आई. तो ये सारी सिचुएशन जो चल रही है ये कहीं ना कहीं टेंस कर देने वाली है, टेंशन क्रिएट करने वाली है कि ये सारी सिचुएशन कहाँ पर जाकर स्टॉप होगी और किस तरीके से इसे कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि दोनों ही ट्रूप्स जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है. और इंडिया ने हाथ भी बढ़ाया है चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन चाइना इज सेइंग दैट वी आर नॉट रेडी टू यू नो सॉल्व द डिस्प्यूट एट ऑल बिकॉज वी आर नॉट इवन गिविंग आर इंच एरिया ऑफ आर लैंड. ओके, सो ये सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं जबकि जिस एरिया के अंदर वो अपने ट्रूप्स को एंगेज कर चुके हैं वो एरिया टोटली जो है म्यूचुअल कंसेंट का एरिया है, वहाँ पे किसी भी एक का अधिकार नहीं है, दोनों ही देशों का म्यूचुअल जो है अधिकार क्षेत्र नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. 5 मिसिंग यूथ फाउंड इन चाइना, 5 जो यूथ हैं अरुणाचल प्रदेश से वो पांचों मिसिंग थे जो कि चाइना में पाए गए हैं. और 5 अरुणाचल प्रदेश यूथ्स हु वर एलिगली कैप्चर्ड बाय दी PLA लेस देन अ वीक अगो. एक हफ्ते पहले की बात है कि उन्हें कैप्चर कर दिया था तो PLA द्वारा, वो चाइना में पाए गए हैं. और ये इन्फॉर्मेशन जो है किरण रिजिजू ने दी है ट्यूज़डे को. ओके, तो ये सारी सिचुएशंस जो है दोनों देशों के बीच में चल रही है और बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारे एग्रेसिव जो है सिचुएशंस चल रही है, एग्रेसिव स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, एग्रेसिव टॉक्स नज़र आ रही है. कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में जो चीज़ें हैं नॉर्मल नज़र नहीं आ रही है. अब देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार इन सब चीज़ों को कैसे कोलैप्स करती है एंड आर्मी किस तरीके से जो है PLA और इंडियन आर्मी दोनों को ही देखिए, चाइनीज़ और इंडियन दोनों ही ट्रूप्स को अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम या मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा. ठीक है,
The next is digital divide shadows post pandemic education. Digital device जो हैं जितने भी digital devices हैं वो digital divide shadows post pandemic education. तो देखिए वैसे तो इन दिनों एंड पेंडेमिक के तौर पे या फिर जो लॉकडाउन के तौर पे जो सिचुएशंस हैं एजुकेशनल सिचुएशंस काफ़ी हमें डावाडोल नज़र आई, लेकिन NSO की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर हाईलाइट हुआ है वाइड डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिस्पैरिटी नज़र आई है जिस तरीके से बच्चे अटेंड कर रहे हैं. काफ़ी बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर्स नहीं है या एंड्रॉइड्स नहीं हैं. तो मतलब करीब करीब 20% जो से भी कम रूरल हाउस होल्ड हैं 14 स्टेट्स के अंदर जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ घर पे अवेलेबल हैं. बहुत बुरी कंडीशन हिमाचल, उड़ीसा, तमिलनाडु है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, केरला, यहाँ पे बहुत वर्स्ट सिचुएशन सामने आई हैं. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द सिचुएशंस आर लाइक यू नो बिकॉज जूम क्लासेस तो सारी कंडक्ट हो रही थी क्लासेस, और जबकि जूम क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा नेट कंजप किया जाता है या नेट का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है जूम क्लासेस के अंदर. तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो कई बच्चे ऐसे हैं, कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर कनेक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है. कहीं पे सिचुएशंस इतनी बुरी जा रही है घर की कि वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को. कहीं पे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि वो इतने इन वर्किंग आवर्स के अंदर जो है इन स्कूल आवर्स में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाए. तो कहीं ना कहीं हमें इस पेंडेमिक के दौर में, इस पेंडेमिक के दौर के बाद अब जो है दो चीज़ें नज़र आई है. एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आई है वो तो ये है एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट के ऊपर इस पेंडेमिक का इम्पैक्ट होना. मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से. दूसरी चीज़ ये कि घरों में रूरल और अर्बन एरियाज़ को जहाँ कंपेयर किया गया है यहाँ पे, और फिर रूरल एरियाज़ के अंदर जिस तरीके से सिर्फ 20% हाउसेज हैव द इंटरनेट फैसिलिटी, इसके अलावा जितने भी घर हैं वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे एजुकेशन सिस्टम के अंदर. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी को भी शो करता है ना. तो हमारी डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल जो जो कमियां हैं या जो जो पॉइंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस की गई है. ठीक है, तो हम इस पूरे NSO की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है. जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे यू विल गेट इट कि हर एक स्टेट की क्या कंडीशन है, वहाँ पे किस तरीके से इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, कितने परसेंटेज तक जो है ये अवेलेबल है कंप्यूटर या सिस्टम अवेलेबल है. इसके अलावा कितने परसेंट लोग हैं जो इस इन सब चीज़ों से काफ़ी वंचित रह रहे हैं, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर एजुकेशन. ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और अर्बन और रूरल सोसाइटीज़ को कंपेयर किया गया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हुई है इस पूरे दौरान में ये सारी चीज़ें दर्शाता है डिजिटल सिचुएशन को. जो हमारे देश में सिर्फ एजुकेशन ही प्रॉब्लम नहीं है या एजुकेशन सिस्टम ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है, द नेक्स्ट इज सेफ सेशन. इट इज़ फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन. द आर्टिकल इज सेफ सेशन. पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक बट ऑल्सो मोर टाइम. पार्लियामेंट को पेंडेमिक के इस दौर में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ही नहीं बल्कि और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है. पार्लियामेंट सेशन जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट होगा विल सी मैनी फर्स्ट. काफ़ी चीज़ें पहली बार होगी उसके अंदर. ये लोकसभा एंड राज्यसभा है. राज्यसभा विल अल्टरनेट देयर सिटिंग्स सो दैट मेम्बर्स कैन स्प्रेड ओवर बोथ चैम्बर्स. राज्यसभा और लोकसभा की सीटिंग्स को अल्टरनेट किया गया है. मैं आपको बता दूं कि एक शिफ्ट मॉर्निंग लगेगी, एक शिफ्ट इवनिंग दो आफ्टरनून में लगेगी, है ना. तो दो शिफ्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइज किया गया है सारी चीज़ों को वो इसलिए किया गया है जिससे कि मेंबर्स जो हैं वो स्प्रेड होकर बैठ सकें और इवन
मतलब अपनी जो पूरे चैम्बर में स्प्रेड हो सके, उसी के साथ में फिज़िकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकें, जो कि इस COVID-19 के दौर में ज़रूरी है। ओके, इवन द विज़िटर गैलरी, जो विज़िटर गैलरी है वो भी MPs ने ऑक्यूपाई कर ली है। सिर्फ 18 सीट्स होगी वहाँ पे, विदाउट एनी वीकेंड ब्रेक और हॉलीडे। 18 सिटिंग्स होगी जिसके अंदर कोई वीकेंड ब्रेक या कोई हॉलीडे नहीं होगा। कंटिन्यूस 18 सिटिंग होगी। द ब्रेक बिटवीन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में ब्रेक होगा, और इससे जो है डिसइनफेक्ट द चैम्बर, उसे डिसइनफेक्ट किया जाएगा पूरे चैम्बर को, ठीक है। द प्रेजिडेंट ऑफिसर ऑफ बोथ हाउसेज हैव हैड ट्रायल रनस, दोनों प्रेजिडेंट ऑफिसर्स और हाउसेज की तरफ से ट्रायल रन लिए गए हैं। बट इट विल बी अ टफ एक्ट फॉर देम, लेकिन ये उनके लिए थोड़ा सा टफ एक्ट होगा। एंड द MPs हु आर यूज टू हडलिंग टुगेदर एंड स्पीकिंग लाउड, और वो सारे MPs के लिए भी जो ज़ोर से बोलना और आपस में एक दूसरे से मतलब हडल करना, समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं, और एक दूसरे से चैम्बर क्रॉस कर लेते हैं। दोनों चैम्बर्स जब क्रॉस होंगे तो उनके बीच का जो सेफ डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी काफ़ी मैसअप हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये करना भी ज़रूरी है। ओके, देयर विल बी नो क्वेश्चन आर, कोई क्वेश्चन आर नहीं होगा, जिससे कि मेम्बर्स जो हैं दे कैन गेट रिटन आंसर टू रिटन क्वेश्चन। मेंबर्स जो हैं वो रिटन क्वेश्चन देंगे, उनको रिटन आंसर्स उसके बदले में मिलेंगे। 0 hour वेयर एनी मेंबर कैन रेज इशू ऑफ अर्जेंट नेशनल इम्पोर्टेंस, कोई भी अभी रिसेंट अगर इशू चल रहा होता है, अर्जेंट इशू है, अर्जेंट टॉपिक है, उसके ऊपर कोई भी मेंबर जो है अपना अपना इशू रेज कर सकता है, अपना पॉइंट रेज कर सकता है। ऐसा टाइम होता है क्वेश्चन आर का, तो वो क्वेश्चन आर जो है वो अरेंज नहीं होगा, विल नॉट बी एन आर, वो वहाँ अवेलेबल नहीं होगा, बट ओनली 30 मिनट्स। लेकिन क्वेश्चन आर जो 1 घंटे का होता है वो सिर्फ 30 मिनट्स का ही होगा। अपोजिशन हैज़ गोन क्वाइट ऑन दीज चेंजेस इन पार्लियामेंट्री मॉडलिटीज़, ये जो नई नई चेंजेस नज़र आ रहे हैं हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस सेशन के तहत ये जो नए सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं, इस पर अपोजिशन ने कोई भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह का कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा है। हाँ, एक क्वेश्चन आर को लेकर के कुछ पॉइंट्स रखे गए थे या कुछ इश्यूज नज़र आए थे, बट उसके बाद से कोई इश्यू हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। रिसेंटली द असेंबलीज ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स केरला, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड मेट एंड वन ऑफ देम हैड अ क्वेश्चन आर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि रिसेंटली जो एक इशू नज़र आया, मैंने अभी आपको बताया कि सभी ये 7 स्टेट्स जो हैं, 6-7 स्टेट्स, इनके जो लीडर्स हैं वो मिल गई थी, उनके असेंबलीज मिल करके इस चीज़ पे जो है अपोजिशन शो किया था, या इस चीज़ पे जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट की थी कि क्वेश्चन आर अरेंज नहीं किया जा रहा। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज़ एक्सपांडेड इट्स पावर ग्लोबली इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक एंड नॉट रेयरली यूजिंग इट एज अ फेसेट ऑफ एग्रैंडाइजमेंट। The attenuation of parliament overshadowed by a strong executive has been a concern in India even before the pandemic. इस pandemic से पहले भी काफ़ी strong execution हमें नज़र आया, overshadow नज़र आई strong executives का। In assuring executive accountability and voicing people's concern, parliament's role was found wanting. In law making, it was increasingly being railroaded by the executive. These unhealthy trends appear to have been accelerated by the pandemic. The government must be held accountable by parliament only on the management of the pandemic. जिस तरीके से pandemic चल रहा है, जिस तरीके से situation चल रही है, और जिस तरीके से political situation चल रही है, parliament को ये ज़रूरत है कि वो इन सब चीज़ों को manage करे, और इस तरीके से manage करे कि सारी situations control में आ सके, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाएगी, जब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा इस चीज़ को, दैट दे आर अटेंडिंग और दे आर गोइंग इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो सच एज चाइनाज एग्रेशन, जैसे कि अब अच्छा कुछ मुद्दे हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, सख्त ज़रूरत है उन मुद्दों पर डिस्कस करने की। एक तो पैंडमिक से रिलेटेड सिचुएशन है,
दूसरी है चाइना का एग्रेशन जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा तीसरा GST रिजाइम ले लीजिए आप, उससे रिलेटेड इशू। चौथा जो है जम्मू कश्मीर की जो कंडीशन है, जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। इसके अलावा बिहार का जो इशू चल रहा है उसे डिस्कस करना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब पर जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होना चाहिए। इन सब को, ये सारे इशूज़ पर जो है पार्लियामेंट को अपना हम कह सकते हैं लीडर्स को अपना या जितने भी MLA MPs हैं उन्हें अपना ध्यान आकर्षित ध्यान केंद्रित करना होगा। द बिल टू रिप्लेस टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन टू सर्टेन प्रोविजंस दैट इज ऑर्डिनेंस 2020 विच विल सीक टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट टू इनेबल 100% डिडक्शन टू डोनेशंस मेड टू द PM CARES Fund के तहत जो भी डोनेशंस हुए हैं उनके अंदर 100% डिडक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये जो ऑर्डिनेंस है रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन से रिलेटेड जो जो ये टैक्सेशन और अदर लॉ से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस है उसको यहाँ पे पास किया जाएगा, उस पे डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू टर्न दिस सेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर व्यूज़ ऑन ऑल दीज क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं हमने, चाहे वो इंडिया चाइना को लेकर जो इशू चल रहा है, PLA इशू, LAC से रिलेटेड जो इशू चल रहा है वो, या इकोनॉमिक जो हम लोग कंटिन्यू जो हमें जो हम कह सकते हैं कि माइनस नेगेटिव सिचुएशंस दिख रही है GST रिजाइम से लेके, या फिर हम कह सकते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो मुद्दा चल रहा है, पेंडेमिक से रिलेटेड जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में चल रही है वो, इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और जितना ऑर्डिनेंस की टैक्सेशन वाले ऑर्डिनेंस की जो है डिस्कस किया गया, तो ये सारे मुद्दे सरकार को पार्लियामेंट में लीडर्स को जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली बहुत अच्छा मौका चुना गया है, बहुत अच्छा मौका मिला है इन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए, और इसी कारण हमें ये लगता है कि इन मुद्दों को डिस्कस करने का एक बेस्ट वे या बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, जो इनको डिस्कस करते हुए दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों को मिल करके जो है आपस में एक दूसरे से बात करते हुए इन मुद्दों को सुलझाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव आस्पेक्ट में जा रहे हैं, नेगेटिव वे में जा रहे हैं। हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है चीज़ों को, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर है, चाहे वो पैंडमिक है, चाहे अदर कोई भी सिचुएशन है। तो इन सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, इसके अलावा सेफ सेशन के साथ साथ हमें किन चीज़ों पर डिस्कस करना चाहिए, किन मुद्दों को उठाना चाहिए पार्लियामेंट में, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ स्पेस की ही ज़रूरत नहीं है, पेंडेमिक से रिलेटेड स्पेस और जो सिचुएशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है या नॉर्म्स है, उन सबको की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। ठीक है, और अधिक से अधिक समय भी देने की ज़रूरत है इन सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने के लिए। द नेक्स्ट इज़ वैक्सीन फॉर ऑल। इंडिया नीड्स अ COVID-19 वैक्सीन पॉलिसी दैट एंश्योर टोटल कवरेज इन लॉजिकल फेज, टोटल कवरेज को लॉजिकल फेज में कवर किया जा सके। ऐसी पॉलिसी इंडिया की नीड है, COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड जो पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है उसके अंदर इस तरह की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है जो ये इंश्योर कर सके कि किस तरीके से लॉजिकल फेसेस के बेसिस पर जो है टोटल कवरेज किया जा सके। द रेस टू अ वैक्सीन इज़ अ रिले एट एवरी स्टेज, देयर आर पीपल पासिंग ऑन द बैटन एंड इन इट्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रेस्प इट एट द लास्ट माइल। Whether or not a vaccine for COVID-19 is around the corner, it is imperative that a vaccine policy is formulated for India, ensuring parity of access for all. As several vaccine efforts are progressing at varying paces, globally concerns about access or to a vaccine in the future that have crept into a narrative. WHO Director General Tedros Adhanom recently spoke of the need to use a vaccine when it becomes available effectively. देखिए,
बेसिकली अभी तो हमारे पास में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये जो आर्टिकल है ये दर्शाता है कि जैसे ही सबसे पहले तो वैक्सीन पर काम करने की ज़रूरत है जो कि ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। हर कंट्री अपनी तरफ से प्रयास कर रही है वैक्सीन अवेलेबिलिटी की, वैक्सीन के ऊपर वर्क करने की, है ना। हर तरह का डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, हर तरह का पर्सन वर्क कर रहा है, हर तरह की सिचुएशंस वर्क कर रही हैं। तो कंडीशंस ऐसी बन चुकी है कि पूरा विश्व लगा हुआ है वैक्सीन के पीछे। वैक्सीन आउट भी हो जाती है तो उससे पहले हमें इस स्ट्रेटजी को बना लेने की ज़रूरत है कि हर तरीके से, हर फेस में, हर तरह के लोगों के पास, हर सिचुएशन में वैक्सीन अवेलेबल हो सके। ये पूरी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि इंडिया में डिलीवरी सिस्टम कैसे होना चाहिए, किस तरीके से, क्या क्या सेगमेंट, चाहे चिल्ड्रन है, चाहे जो है हम कह सकते हैं मिडल एज्ड है या ओल्ड एज्ड है, कैसे सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं, उन सेगमेंट तक वैक्सीन कैसे पहुंचनी चाहिए। ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से काम चल रहा है वैक्सीन के ऊपर, अब हमारी ज़रूरत है कि जिस तरीके की रेस चल रही है वैक्सीन पर, तो अब हम उस तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग भी करके रखें अपने पास में, है ना। तो जिस तरीके से हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन पॉलिसी की, कि वैक्सीन भी पहुँचे और इस तरीके से लोगों तक पहुँचे कि सभी को इससे जो है फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो वैक्सीन पॉलिसी को कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैक्सीन पॉलिसी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है, क्या क्या एविडेंस होने चाहिए, क्या क्या डिसीजंस होने चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में बताई गई है कि सरकार को कैसे कार्य करना चाहिए और किस तरीके से पॉलिसी को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी दैट इज़ एन ए एम और इंडियाज अलाइनमेंट को यहाँ डिस्कस किया गया। एन ए एम है क्या, नॉन अलाइनमेंट क्या है, और इंडिया का अलाइनमेंट से रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पर डिस्कस किया। रिसेंटली नॉन अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को फिर देखा गया है हमने, जो कि बहुत पहले देखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और उससे पहले भी कई बार हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को डिस्कस किया है। अब फॉरेन पॉलिसी जो है उसके कॉन्सेप्ट में नॉन अलाइनमेंट क्या है और चाइना फैक्टर क्या है, इससे रिलेटेड जियोग्राफिकल लिंक्स हमारे कितने हैं, उस बेसिस पर जो दूसरी कोई भी कंट्रीज़ के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, या हमें उसकी एट दैट मोमेंट ज़रूरत है या नहीं है, या हमें इससे ऊपर उठ के कुछ देखने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली नॉन अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को बताया है, उसको एक स्पेसिफिक एरा के लिए कंपल्सरी बताया है, है ना, और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताइए कि उसकी एक्टिवनेस कितनी होनी चाहिए इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की, ये एक्टिविटी कितना इम्पैक्ट करेगी सोसाइटी पर, ज्योग्राफिकल लिंक्स, चाइनीज़ फैक्टर्स, और इसके लिए जो यूनाइटेड कैंपेन है इनके बारे में बताया है, और एक टैम्पलेट और UNSC टर्म को डिस्क्राइब किया गया है। तो UNSC क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है वो पॉलिटी का एक सेक्शन भी कवर करती है, पॉलिटी के साथ साथ में करंट अफेयर्स को भी कवर कर रही है, जैसा कि आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। कंट्री हैज़ नॉट येट फाउंड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सक्सेसर एज अ सिग्नेचर ट्यून फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके लिए सिग्नेचर ट्यून के तौर पे हमें सक्सेसर नहीं मिला है। कंट्री ने अभी तक यूनिवर्सल लेवल पे कोई सक्सेसर अडेप्ट कोई ऐसा नहीं मिला है जो यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्ट कर सके एक सक्सेसर के तौर पे कंट्री को, ठीक है, इस पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज, उससे होने वाले इम्पैक्ट, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, उससे फॉरेन पॉलिसी हमारी किस हद तक प्रभावित है, और उसका विश्व स्तर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आज भी हमें उस तरह की फॉरेन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है उसकी ज़रूरत है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसीज इस लेवल पे चल रही है जो नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करे, या क्या हमें उससे ज़्यादा पॉलिसीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत है, या इसमें कुछ रिनोवेशन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ केस फॉर डाउन टू अर्थ गवर्नेंस। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस रिमेन्स द अनफिनिश्ड एजेंडा टू मेक इंडियाज़ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड डीप। इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और डीप बनाने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसे यहाँ डिस्कस किया गया है। इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और डीप बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए जो है लोकल एजेंडा क्या है या अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है उसको यहाँ अरुण मिश्रा जी ने अपनी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उतारा है, ठीक है। अरुण मिश्रा जी के बारे में बता दूँ,
फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, और ऑथर हैं ये, है ना, ऑथर हैं या रिफॉर्मिंग रीडिज़ाइनिंग द एरोप्लेन वाइल्ड फ्लाइंग रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। तो रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन को फ्लाई अप करने के लिए जब आप रीडिज़ाइन करते हैं एरोप्लेन्स को, तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे मैनेज होगी, इन सबको अरुण मिश्रा जी ने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि मनी क्या है, हज़ारे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ना हज़ारे का जो मोमेंट हुआ था उससे रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए इसका क्या प्रोसेस रहेगा, इनर डेमोक्रेसी क्या है, और सिटीजन्स को कैसे इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने की ज़रूरत है और इश्यूज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे शो की गई है। 9 years अगो अन्ना हजारे एंडेड हिज हिस्टोरिक फास्ट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन्फॉर्म्ड हिम दैट द पार्लियामेंट हैड एक्सप्रेस्ड दे सपोर्ट टू प्रपोज्ड एंड चेंजेस प्रपोज चेंजेस टू एंटी करप्शन या लेजिस्लेशन द सेंस ऑफ द हाउस वॉज बिहाइंड अन्ना हजारेज की डिमांड द हिस्टोरिक बेंडिंग ऑफ पार्लियामेंट टू द पीपल्स विल वॉज द रिजल्ट फॉर अ रिमार्केबल मूवमेंट टू सिटीजन्स दैट इज रिच मिडल क्लास एंड पुअर कमिंग टूगेदर टू टेक पॉलिटिक्स बैक फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड टू डिमांड पार्लियामेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स सिंस दैन द नोशंस Yeah, nation's attention has moved on from weakness in institutions of governance to threat from China and on the nation's border and to global problems caused by COVID-19 से global level पर जो problems create हुई है, China से के साथ हमारे जो border disputes चल रहे हैं, ये सारे जो parliamentary issues है उसके लिए parliament कितना accountable है, political issues कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए government accountable है, situations accountable है, ये सारी चीज़ें इस पूरे article में दर्शाई गई है कि सरकार का क्या अर्थ है, सरकार को down to earth जो है उसकी और अपर टू द सिचुएशन एंड आई कैन से द सिचुएशन दे आर होल्डिंग ऑन की ज़रूरत है। ये सारा मुद्दा यहाँ डिस्कस किया गया है कि सिटीजन्स को कैसे सॉल्व करने की ज़रूरत है इश्यूज़ को, सरकार का क्या रोल है, इनर डेमोक्रेसी कैसी है और क्या दर्शाती है, इसके अलावा प्रोसेस क्या है, डेलिब्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। हज़ारे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एजेंडा जो है इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और डीप करने के लिए अपनाना होगा, किस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल में लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करना होगा, ये सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस की गई है। होप यू गॉट इट ओके, कि इसका पॉइंट क्या है। अब ये चीज़ें आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से समझ में आएगी कि चीज़ें क्या बता रहा है इसके अंदर, इंडियन डेमोक्रेसी को कहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है, हमारी स्ट्रॉन्ग और डीप डेमोक्रेसी को कहाँ पे डिस्कस किया गया है, डेमोक्रेसी का क्या रोल है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारी गवर्नमेंट में, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। होप आप कुछ सारी चीज़ें समझ में आ गई है। NAM बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज का, नॉन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी और करंट अफेयर एस्पेक्ट से भी। सो इस आर्टिकल को जो लास्ट 2 articles हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा आप। इसके अलावा हमने ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। सो इसके अलावा कोई भी इशू है आप जानना चाहते हैं किसी आर्टिकल के बारे में, किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन इट। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ऑलवेज बी हेयर विद मी, बाय बाय।